भोजपुरी और मगही को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान पर बिहार में राजनीति गर्मा गई है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने उनके बयान की कड़ी आलोचना की है। दूसरी तरफ झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार में सहयोगी दल राजद के प्रवक्ता ने उनके बयान का बचाव किया है। आपको बता दें कि हेमंत ने भोजपुरी और मगही बोलने वाले लोगों को डोमिनेटिंग नेचर यानी वर्चस्व चाहने वाला बताया है। हेमंत ने कहा है कि अविभाजित बिहार में झारखंड की महिलाओं के साथ गलत काम करने वाले ये बोलते थे। झारखंड के आंदोलन के वक्त भोजपुरी में गालियां दी जाती थी। उन्होंने कहा कि इन दोनों भाषाओं का झारखंड के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है और ये बिहार की भाषाएं हैं। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता अभिषेक झा ने उनके बयान को बिहार का अपमान बताया है। उन्होंने कहा है कि जदयू ने कभी जाति, धर्म, संप्रदाय और भाषा के आधार पर कभी भेदभाव नहीं किया। उन्होंने कहा कि बिहार और झारखंड में तो कोई फर्क नहीं है, भोजपुरी और मगही का साहित्य तो काफी समृद्ध रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने भोजपुरी और मगही भाषा का हेमंत पर अपमान करने व हिंदी दिवस पर भाषा का अपमान करने को लेकर चिंता जाहिर की है। हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने हेमंत के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें भारत के इतिहास की जानकारी ही नहीं है। उनसे ऐसी ही बयान की उम्मीद की जा सकती है क्योंकि उन्हें भोजपुरी और मगही के योगदान के बारे में कोई जानकारी है ही नहीं। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने इस मसले पर हेमंत का बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने किसी और परिप्रेक्ष्य में ये बात कही होंगी। उन्होंने कहा कि भाषा का सम्मान किया जाना चाहिए और भोजपुरी एवं मगही का महत्व तो पूरे देश में है। उन्होंने कहा कि हेमंत ने इन भाषाओं के प्रति कोई विद्वेष नहीं दिखाया है। लोग हैं वो तो बेचारे बहुत कमजोर लोग रहे हैं और स्वाभाविक रूप से है जो मजबूत होता है उसके पैर के नीचे सभी रहते हैं और ये धीरे धीरे चीजें उसको इन लोगों ने आगे बढ़ाया और कुछ लोग उनके साथ खड़े होने के चक्कर में उनकी भाषा बोलना शुरू कर दिए। अदरवाइज ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, गांव के अंदर ये ब्रॉड लैंग्वेज है और चूंकि जो लोग मगही बोलते हैं, जो लोग भोजपुरी बोलते हैं, दे आर डोमिनेटिंग पर्सन। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।